सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। कैन यू एक्सप्लेन टू मी इन शॉर्ट व्हाट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कैसे यूज करेंगे सर्विस में जाने के बाद? क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड हाउ इट वर्क्स? क्रिप्टो करेंसी और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा काम आप करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ज्योति कुमारी एंड आई एम ए बी ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आई कंप्लीटेड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2016 एंड आई एम मैरिड फॉर 6 इयर्स एंड आई हैव अ 3 ईयर ओल्ड बेबी एंड माय हॉबीज आर क्रिप्टो ट्रेडिंग and listening to music. Are you comfortable? English is your medium? I'm comfortable in both mediums. What is your medium of papers? GS, mains? English. So your option is geography and you have done a mechanical engineering. Can you explain to me in short what continental drift theory is? Continental drift theory is proposed by Alfred Wegener. And this theory is mainly about the shifting of landmass from one place to another, and with some evidences he supported his theory. Some of the evidences are like presence of rocks on the water, and presence of fossil evidences, and Paleolithic evidences, and the depth of You are from East Champara and you have studied in Mumbai. Yes. Where in Mumbai? In Harbhajan. What difference did you observe in status of women in these two places? So, in our place, ma'am, I can explain this question better in Hindi. Sure. Go ahead. Ma'am, हमारे यहाँ जैसे महिलाओं को economic freedom नहीं मिलती है और वहाँ पे महिलाओं को job करने का opportunity है और हमारे यहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिकल सोशल एंड एवरी फ्रीडम इज अवेलेबल देयर और हमारे यहाँ मेनली फ्रीडम की ही कमी है। साथ ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? एंड फर्स्ट इज बिहार पुलिस सर्विस। अच्छा, और सेकंड? थर्ड? सेकंड इज बिहार फाइनेंशियल सर्विस एंड नेक्स्ट इज एडीटी। तो आप मुझे बताइए, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का नॉलेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज, इन दोनों का एटलीस्ट मुझे दो दो पॉइंट बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कैसे यूज करेंगे सर्विस में जाने के बाद? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ नया, जैसे आया था वुमेन हरासमेंट को रोकने के लिए एट वर्क प्लेस शी बॉक्स आया था इनिशिएटिव, तो वैसे कुछ इनिशिएटिव कुछ मशीन हम लोग डेवलप कर सकते हैं जिससे वो बाय जीपीएस ट्रैकिंग और एनीथिंग वो अपने प्रॉब्लम्स को सारी जगह बता सके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेल्प से हम लोग मशीनरी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही उनके इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। घर में हाउस होल्ड वर्क के लिए कुछ ऐसा इनोवेशन किया जा सकता है जैसे वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह, उसमें हम लोग कुछ नया इनिशिएटिव। और ज्योग्राफी के नॉलेज के लिए, जैसे ज्योग्राफी हम लोग को हेल्प करता है हर प्लेस के बारे में जानने के लिए कि हर प्लेस की क्या स्पेशलिटी है, तो उसमें उनको अपने प्लेस के बारे में जानकारी रहेगी, इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी रहेगी, तो वो बाकी अपना जॉब भी सर्च कर सकती हैं और साथ ही बाकी जो भी। व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड हाउ इट वर्क्स? Sir, crypto trading is the trading of cryptocurrencies. There are approximately 50,000 cryptocurrencies available in the market. How it work, cryptocurrency?
it's based on what algorithm? Sir, it is based on blockchain technology, which is highly secure. Okay. Is crypto currency is a legal tender in India? Sir, legality of crypto is not established yet, but yes, it is also not illegal. Okay, and what is the percent, what is the rate of GST that is imposed on it? Sir, 30% on the profit of crypto is. Sure. The 30% was marked in the budget, and right now, sir, I can guess something. So right now it is about 24%. Okay, and tell me a few crypto trading platforms. The first is Wajirex, and next is Binance. The others I cannot remember. Okay, how you work on it? Sir, I used to work on Wajirex platform. Have you worked professionally on it? No, sir. This is my hobby, so I used to do it on a daily basis. So you own cryptocurrencies? Yes. Okay. So how recently it crashed, I suppose a week earlier. Yes. So how is it now? Is it improving or going down? Like share market is crashing every day. So how, what about cryptocurrency? Sir, cryptocurrency market is also crashed in about 15 days. And somehow it is growing right now. In some percentage it is growing. Ideal machine kya hota hai? Sir, ideal machine. Sir, I cannot remember it 100%, but I guess. Sir, ideal machine वो होता है जिसमें हम जितना power डालते हैं उतना उसमें work produce होता है. मतलब efficiency कितना होता है? 100%. अंतर्दहन इंजन सुना है आपने, और बहिर्दहन मतलब बाहर में जलने वाला इंटरनल कंप्रेशन, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? अभी फिलहाल मुझे मैकेनिकल के बारे में इतना याद नहीं है, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए उसको छोड़ने में. सॉरी. क्रिप्टो करेंसी अभी हाल ही में किस देश ने लीगल किया है? लेटेस्ट 2 महीने पहले. सॉरी, यूक्रेन ने किया है. सबसे पहले कौन किया था? वियतनाम ने किया. सर, वेनेजुएला में. सर, नो, मिडिल एशियाई कंट्री है, मिडिल अमेरिकन कंट्री, मध्य अमेरिकी देश. अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए आपने ऐसा क्या सीखा जिसका प्रशासन में उपयोग कर पाएंगे आप? सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल है तो हार्ड वर्क होता है उसमें, तो उसे मैंने एक हार्ड वर्क सीखा है. फिर पेशेंस के साथ जो जॉब हम लोग को मिलता था करने के लिए, वो हम लोगों ने किया था. तो हार्ड वर्क, पेशेंस और बाकी जो लॉजिकल रेशनल थिंकिंग है, वो सब सीखने को मिला था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑप्शन भी थोड़ा ये कर लीजिए, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल थिंग्स होते हैं बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, कंट्रीज वगैरह सारे नेबरिंग स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार, फैक्चुअल चीजें वो ब्रश अप कर लीजिए. आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का भी आप देख लीजिए एक बार कम से कम. हाँ, बोल नहीं सकते हैं कि 6 साल पहले मैंने किया था. इस सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका जो बेसिक चंक है वो आप एक देख लीजिए, वो जरूरी है. दूसरा चीज, अगर आपका आंसर आता नहीं है, नर्वस आई कॉन्टैक्ट वगैरह, तो वो उसको थोड़ा मैनेज करिए. अभी तो कम टाइम है, आके मॉक दीजिए और एक दो, ठीक है. इनफॉर्मल वर्ड्स आपके आंसर्स में आ रहे हैं. आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बताना है, आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश. इफ यू से चूज इंग्लिश, ट्राई टू कंटिन्यू विद इट. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, गो चूज हिंदी, नो प्रॉब्लम इन इट. कोई दिक्कत नहीं है. मैं हिंदी में भी अगर बोलती हूँ तो मुझे इंग्लिश वर्ड्स नहीं. कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स करके प्योर कोई नहीं बोलता है, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है. आप जरूरत भी नहीं है उसकी. आप जैसे क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट चेंज वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है, या आप इंग्लिश में बोलिए कोई दिक्कत नहीं. दूसरा, स्टैंड ऑन वुमेन इश्यूज, स्टैंड रिलेटेड टू इश्यूज इन स्टेट ऑफ बिहार, स्टैंड इनइक्वालिटी कंसर्न, ये आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए. क्योंकि आपका जो आंसर रिलेटेड टू यूसेज ऑफ योर ऑप्शनल और योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इन प्रशासन, तो वो मतलब आपका कहते जनरलिस्टिक आंसर आ रहा है. पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिए ताकि आप जाएंगे तो वो बोल पाएंगे. आपका जैसे मैम बता रही थी कि आई मूवमेंट क्या होता है, इफ यू नो तो आप अच्छे से बताती हैं, नहीं तो आप या तो ऊपर देखने लगती हैं या नीचे देखने लगती हैं, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज गुड, सिर्फ और एक दो मॉक दे दीजिए फटाफट, क्योंकि आपका आज तो 16th हो गया, 20th को है, तो आप 19 को मत आइए, कहीं भी किसी भी जगह मत जाइए. 19 को एकदम शाम 4 बजे के बाद पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा. इवन इफ यू फील लाइक कि मुझे कुछ नहीं आता है, ब्लैंक हो गया बिल्कुल, वो होगा, तब भी बच्चे के साथ खेल लीजिए. 8-9 बजे सो जाइए आराम से, खाना खा